हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि अगर शर्ट में अगर ये बॉर्डर, अगर बॉर्डर वाली शर्ट हो और ये बॉर्डर अगर टेढ़ा हो या ऊपर नीचे हो, तो इसे आप सीधा करके कैसे फिनिशिंग में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस शर्ट को उल्टा कर लेते हैं। ये हमने शर्ट को उल्टा कर लिया। अब ये देखिए बॉर्डर, एक ऊपर एक नीचे। तो सबसे पहले हम इस बॉर्डर को कट करके यहां से अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस शर्ट को नीचे से बराबर करके यहां से बराबर कटिंग कर लेंगे। तो हम इसे 42 पे कट कर लेंगे। तो चलिए, ये सीधा करके कट कर लिया। अब हम ये कपड़ा हमने कट करके रखा है, इसकी जो पैंट थी उसमें से हमने ये कपड़ा निकाल के कट करके रख लिया। अब हम इसे डबल करके इसके नीचे लगाएंगे, डबल करके इसके नीचे लगा देंगे। सबसे पहले शर्ट का घेरा सीधा करके सीधी तरफ से रख लेंगे। उसके बाद ये कपड़ा हम डबल करके इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली। अब हमें इसे इंटरलॉक कर लेना है। तो हमने कपड़ा नीचे लगाकर इससे सिलाई लगाकर इंटरलॉक कर लिया। ये देखिए सीधी तरफ से। अब हम इसे बॉर्डर लगाएंगे ऊपर। तो ये बॉर्डर जो हमने कट करके अलग कर लिया था, ये हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से इस कपड़े को ऊपर की तरफ करके यहां पर सिलाई लगानी है। अब हम ये बॉर्डर थोड़ा सा ऊपर से ऐसे फोल्ड करके ये जो हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगाई इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इसी तरह दूसरी तरफ से भी ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये बॉर्डर हमने सीधा करके फिर से इस घेरे पर लगा लिया। अब हम ये चौक फोल्ड करेंगे और शर्ट को कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए, हमारी शर्ट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये बॉर्डर सीधा करके फिर से शर्ट पे अटैच कर लिया। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।